Hi guys, what's up? Welcome back to Masal. We are back for the promised Big Boss or Big Babe review, जो हम हमेशा करते हैं. We do this every time a new Big Boss season is rolled out, and that is twice every month. अच्छा, और मैं ना sketching practice करते करते देखूंगी, because ये this is 2 hours 28 minutes तक देखना पड़े. 2.5 hours तक 20 contestant का introduction हो रहा है. Like, how big are the names? Living area. जीत हार मैं नहीं मानता, मैं तो बस mind game जानता. What have you made the house out of? Paper mache? Like, what is the theme? Paper mache and metal. ये एक बात मेरे को समझ नहीं आती है, हर 6 महीने तो बहुत ही ज्यादा हो गए, इनके तो 2-2 महीने में ही नए सीजन निकल आते हैं. मतलब ये अभी इनका 18th सीजन चल रहा है, तो they're gluing the plywood back on to the laminate for the 18th time to make some kind of new interiors and stuff. तो उनकी क्या मतलब चीज़ें खराब नहीं होती? लाइक हाउ इज आई एम प्रीटी श्योर दैट लोकेशन इज होल्डिंग बाय अ थ्रेड. मतलब वो बाहर की प्लाई वाई निकाल के अंदर एक ऐसे फट्टा रखा होगा लकड़ी का, टू मेक एवरीथिंग स्टैंडिंग. बार बार वो कर देते होंगे फेशिया. मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि चाय फटेगी? लेकिन बर्तनों से ज्यादा लाइक एवरी सीजन, दिस इज द थर्ड सीजन आई एम वॉचिंग, एंड एवरी ग्रैंड प्रीमियर लाइक फर्स्ट 20 मिनट्स पूरा धुआं धुआं होता है. पता नहीं सम डिस्काउंट देयर गेटिंग ऑन द स्मोक मशीन. एवरी ग्रैंड प्रीमियर फर्स्ट 20 मिनट्स धुआं धुआं. पहले गेस करो कि हो क्या रहा है. बिग बॉस जो है वो आके ऐसे वो कबीर के दोहों में बातें करते हैं, लाइक इन रिडल्स. लाइक बिग बॉस ट्राइड अभी द रिडलर. मतलब बिग बॉस एक ऐसी एंटिटी है जो जोकर भी उनको बनना है, उनको पेंगुइन भी बनना है, उनको रिडलर भी बनना है. ही इज ऑल ब्रो थिंग्स ही इज ऑल बैटमैन विलन्स. मैंने नहीं बोली यार, नहीं बोली मैंने. खाने के साथ साथ जो इस खेल का ब्रो जस्ट लाइक ईदर स्पीक फास्टर और डोंट स्पीक एट ऑल. दैट इज द अगलीस्ट house I've ever seen. Who lives like that? Will you be able to live in a house where like there's a new pattern, there's a new Minecraft fucking Roblox texture in every square feet of your area? Like har jahan pe tum dekh rahe ho there's some new texture, new paneling, new color. Like will you be able to live in a house? किसी भूमि पर किसी खिलाड़ी भाई ये सच में ब्रह्मास्त्र से बेटर है. लाइक एक सीजन के इंट्रो के लिए बिग बॉस ने ब्रह्मास्त्र से अच्छे वीएफएक्स ले आया यार. भाई बिग बॉस की तो बिग बॉस की जय. दिस इज व्हाई वी वॉच दिस शो यार. अब रेंगते रेंगते घर में घुस गया है. What is this carved out of? मतलब ये किस चीज से carve out किया हुआ है exactly? मतलब मेरे को लगा था कि जब हम घर के अंदर रहते तो हम घर के अंदर इसलिए रहते हैं because we don't want to stay outside. अगर हमको पत्थरों के नीचे ही सोना होता तो हम बाहर रह लेते ना, पर हम घर के अंदर इसलिए रहते हैं बिकॉज वी डोंट हैव टू कार्व आउट फकिंग रॉक्स एंड स्लीप अंडर देम. वी हैव होम्स टू स्लीप इन. सो व्हेन यू मेक द इंटीरियर्स लाइक इट्स अ कार्व्ड आउट रॉक, देन दैट किल्स द होल फकिंग पॉइंट ऑफ हैविंग अ होम. बट मेरे से भी ज़्यादा लाइक बिग बॉस याप करते हैं, मेरे से भी ज़्यादा. लाइक दिस इज अनबिलीवेबल. लाइक ही इज बीन यापिंग सिंस स्ट्रेट फॉर 7 मिनट्स स्ट्रेट फॉर द लास्ट 7 minutes. He's been yapping straight. इतना तो मैं भी नहीं करती. I also have fucking point. ऐसे में मुझे ये कहते हुए बेहद खुश जिसमें वो जाता है. आय हाय हाय हाय. स्लो जाता है नॉर्मल. फास्ट क्यों नहीं होता? तो स्लो क्यों हो जाता है यार? स्लो करके कौन देखेगा बिग बॉस? जियो सिनेमा स्लो करके कौन देखेगा बिग बॉस? फास्ट क्यों? फास्ट का ऑप्शन क्यों नहीं है इसमें? मेरी माँ से बढ़कर और मेरी माँ से ऊपर कुछ भी नहीं है, और आज उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आपके साथ. ये मेरे को कभी समझ नहीं आया रियलिटी शो में ना कि ये सब बोलने का पॉइंट क्या है. जब लोग आके बोलते हैं कि माय पेरेंट्स मीन सो मच, एवरीवन्स पेरेंट्स लाइक नो वन हेट्स देयर पेरेंट्स. लाइक हैव यू हर्ड ऑफ एनीवन हु लेजिट हेट्स देयर पेरेंट्स? मतलब कौन ऐसे स्टेज पे आके सबको बोलेगा आई हेट माय मॉम, आई हेट माय डैड, दैट्स व्हाई आई एम हियर, आई वांट टू शो देम? ये कौन बोलेगा? लाइक व्हाट, इट्स सच अ वियर्ड थिंग टू यूज योर पेरेंट्स एज अ वे फॉर द ऑडियंस टू सी यू एज ह्यूमन. ये बहुत ही मेरे को एक्सट्रीम मैनिपुलेटिव टेक्निक लगती है. एंड ऑल्सो वेन पीपल आर लाइक रिकॉलिंग देयर सॉब स्टोरीज ना, कि मैं पहले लाइक आई केम टू बॉम्बे विद अ सूटकेस, ये वो
लाइक एवरीवन डज दैट भाई सारे मतलब द मेन मोटिव ऑफ रिविजिटिंग दैट स्टोरी वाज क्रिएटिंग दिस इमोशन इन द ऑडियंस दैट आई हैव सफर्ड और यू नो आई एम ह्यूमन लाइक आई हैव माय पेरेंट्स हु लव मी आई लव माय पेरेंट्स आई एम अ गुड पर्सन लुक एट मी दैट इट फील्स वेरी परफॉर्मेटिव मतलब फील्स वेरी परफॉर्मेटिव अगर कोई बंदा अपने पेरेंट्स को जेन्युइनली प्यार करता होगा व्हाई वुड ही say it to the world and he would just tell their mother that you know I love you and stuff why would they like go on a stage on Big Boss and tell everyone yaar mere liye meri mummy bahut important bhai sabke liye important hai yaar like who out there is like you know kicking their mom out of the house and stuff अपने गांव से बॉम्बे आई थी ना एक सपना लेकर आई थी क्योंकि मेरे सलमान इज सो डन लाइक एंड आई कैन लिटरली लाइक आई कैन रिलेट टू सलमान टू बी ऑनेस्ट यार आई फील फॉर हिम सीरियसली इनके पसंद का आएगा मुझे लगता है कि हम जो ढूंढते हैं वो बेहतर ढूंढते हैं और माँ बाप जो ढूंढते हैं वो बेहतरीन ढूंढते हैं हाँ हाँ ताकि अगर नहीं बने तो ये मेरी ओह गॉड यार ये इतनी इतनी वो आई थिंक शी इज द काइंड ऑफ चाइल्ड लाइक योर मदर यूजुअली कंपेयर्स यू टू बट सीक्रेटली लाइक देयर आर ड्रग डीलर और समथिंग किए हैं अब बिग बॉस कैरेक्टर में कैरेक्टर में ही है अभी भी कैरेक्टर में सर मैं रियल कैरेक्टर ब्रो सर सलमान से कुछ नहीं छुप सकता भाई वो तो सलमान खान खुद 50 साल से एक्टिंग करो उनके सामने एक्टिंग करो तो ऑब्वियसली इज गोना रियलाइज यार तो यश इज डेफिनेटली प्लेइंग अ कैरेक्टर एक नंबर की ये इसमें को लग रहा है सबसे ज्यादा फाइटिंग यही करेगी ऐसे तो मुझे लग रहा है तो कब करेंगे शादी अरे चल रहा है व्हाट इज द थीम ये इसका सेट का क्या थीम है मैड मैक्स देयर इज अ पुरानी ट्रक रखी हुई है एक साइड पे देयर इज अ चेहरा लाइक This is my problem with Big Boss. There's no coherent theme. Like, कुछ भी कहीं पे भी डाल देते हैं just to fill spaces. And I'm not just talking about the interior. This happens in content also, writing also. This out. Drop. 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 Bro, thanks. This is Splitsvilla. Damn, that's a bit. Are you guys sure you're just co-workers? ये बहुत ही अच्छे एक्टर मालूम पड़ते हैं ये एक सीन से ही मैंने जज कर लिया लीड किया है जी सर The clothes are so contrasting. मतलब this guy is dressed for prom and this guy Varun Dhawan dressing code है इसका वरुण धवन इन 2013 फिल्म्स है इसका ड्रेसिंग कोड दैट्स हिज इंस्पिरेशन पिंटरेस्ट बोर्ड पे इसके वो मैं तेरा हीरो के वो शॉर्ट्स आते होंगे सही के साथ स्टैंड ले लिया तो मैं नहीं हटता सर चाहे मेरे सामने कोई भी इंसान हो कैसा भी इंसान सर ये जो भी बोल रहे थे अल्फा मेल ये क्या है सर मुझे ऐसा लग रहा है ये लोग थोड़े मतलब सेम कैटेगरी में क्या है सर वही ये लोग कबीर सिंह और एनिमल वाले कैटेगरी में है बट सर हमारा जो इंस्पिरेशन है वो सर तेरे नाम के राधे भैया का है उनके एग्रेशन और एटीट्यूड के राधे भैया का है लुक एट हिज फेस भाई ही नोस सलमान नोस इट्स नॉट अ गुड कैरेक्टर टू यू नो उनके एग्रेशन और एटीट्यूड के सामने कोई कहां टिका है सर करेक्ट बात है फिल्म की थी मैंने ये कहा था पब्लिसिटी में कि ये फिल्म बहुत अच्छी है लेकिन ये कैरेक्टर लूजर का कैरेक्टर है इस कैरेक्टर को कभी फॉलो मत करना You said the opposite 4 seconds ago. This guy, you said the opposite 4 seconds ago. Why? How are you saying yes now? वो हाँ में हाँ मिला रहा है. बिल्कुल correct. शायद लेकिन आपके बारे में कुछ और ही. Correct. You said the opposite 4 seconds ago. नहीं, it's not correct for you. You were saying something else. अब फिर अब ये हाँ में हाँ मिला रहा है. डर गया है ये. सुना है. आपका एक. Like I'm pretty sure जैसी उनकी aura है. I'm 100% sure no one even tries to go against him or argue with him like normally in a normal tone and sab whatever he says sab haan mein haan mila dete honge matlab I think that happens with most stars not just Salman to baat dekhi hogi na unhone I mean yeah he's a good looking guy like he's a why is he here why are both of them here they're both I think they're both good looking guys like why are they here ab kuch to baat hogi na mujhme Why is it so dramatic? कर रहे थे, मुझे जलील कर रहे थे और मैं सिर्फ देख रहा था वो मुझसे सिर्फ एक शो थी they made it so they always do this they make fucking simplest things so
ड्रामेटिक, लाइक इट्स लाइक कोई नोलन लेवल का आदमी आके शूट कर रहा है. इट्स जस्ट सम बिग बॉस लोर भाई, इट्स जस्ट सम कंटेस्टेंट लोर, इट्स नॉट दैट डीप. तो इस अब इसकी भी स्टोरी, ही इज एन एक्टर, तो ही मस्ट हैव गॉटन फायर्ड फ्रॉम सम शो और समथिंग. अब इसमें जो हमें ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन देनी है, दैट इज दैट आई गॉट फायर्ड फ्रॉम अ शो एंड दैट्स व्हाई नाउ आई एम हियर ऑन बिग बॉस. दिस इज द इन्फॉर्मेशन यू वांट टू गिव टू द ऑडियंस. Why the hell would you make a fucking 15-minute short film with like 10 slow-mo shots? Mera grand premiere dekh ke BP badh raha hai, abhi kuch hua bhi nahi hai. There are no fights even happening. Shehzada isi liye tha. Aaja, Shehzada isi liye tha. Humne hamare ghar mein ek driver laga tha, uska naam tha Jahangir. Usko bhi yehi attitude tha. Usko nikalna pada aur phir wo wapas. I think something inside him broke. The homelander came out for a while there. ये पता है, दिस गाय ही एक्चुअली कैन गिव्स मी पैट्रिक बेटमैन वाइब्स. मतलब इसका थोड़ी, इसकी थोड़ी वाइब्स है पैट्रिक बेटमैन जैसी. लाइक इफ यू लाइक, आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन फील इट, बट ही काइंड ऑफ, आई डोंट नो, समथिंग इज अप. आप इतने तकलीफों से, मतलब कि आई डोंट थिंक व्हाई दे बुलिंग हिम. अच्छा, ये ज्यादा अल्फा बन रहा था ना, इसलिए फिर उसको ज्यादा बुलिंग हो रही है. आई थिंक ही इज अ नाइस गाय, ही जस्ट ट्राइंग टू बी लाइक ऑल अल्फा एंड ऑल. अंदर से आई एम होपिंग अंदर से ही इज अ नाइस नॉर्मल गाय. पर बेचारा अभी बुली होगा सलमान से, बिकॉज ही मेंशनड द अल्फा थिंग. तो सर, उसमें मेरे को यहाँ तक ब्रेसलेट्स पहना दिए गए थे पहले सीन. तो जो क्रिएटिव आती है मुझे कहती है कि आपने ब्रेसलेट्स क्यों पहने हैं, ये उतार देना अगले सीन में, ठीक है, क्योंकि ये आपके कैरेक्टर को नहीं करता. He's done, yeah. Just like the rest of us, bro is just yapping. अच्छा ठीक है, मैं तुमको बता देती हूँ कि he got fired from some show he was working on and the director probably shouted at him. But I guess तो ये उसकी story, पिछले 15 मिनट से उसकी story बता रहा है and no one is interested. Salman is not interested. This guy is not. I'm guessing ये पीछे इस बंदे को पहले सुना चुका है ये story पूरी. The way how he's so eager to talk about it, तो इसको he's done. This guy is absolutely done with it. Even I am done, yaar, enough. आपका अपना छोटा सा ससुराल. की अच्छा ये nice, अंदर जाके क्या बनाया है घर. Two guys, they have worked together and they have, I don't understand the relationship. Like they both of them have kind of bitched about each other and they have some kind of animosity, but they're also talking to each other. To mereko samajh nahi aa raha. So then they do all of this stuff and then okay, then oh god, dekho, I can't talk about politics, so I'm gonna skip this one. He's from the Bharatiya Janata Party and he's a bahut hi young age mein politician ban gaye the and he's here now. I don't know why. Badi fan nahi ho, matlab main apne dil ke niche se aapko pyar karti ho, like from the I think she's gonna win or she's at least gonna go till the top 2 because she's cracked the Shehnaz Gill code of gameplay of Big Boss. I think a lot of women can actually learn, and even me can actually learn from what she's doing right now. She's making herself indispensably likable. People love watching a woman they can make fun of. Okay, no one likes an intelligent girl. No one likes someone who actually, you know, has achieved something, especially a female. There's a lot of animosity that is generated, but everyone, like the lowest denominator, if you want to hit the lowest denominator, everyone likes a woman you can make fun of or, you know, who acts like this. So this makes you instantly, indispensably likable in the eyes of all men. So yeah, I think it's a good strategy. I mean, there is no way like she actually is like this with those hunter eyes. Oh, sir, how? This is the first time I've seen a smile on Salman's face. And all it took was a full grown woman acting like a toddler. Who would have thought? Okay, this is the next contestant. I think she was a winner of Roadies, or she was a finalist of Roadies. And then this is the next contestant. So when a river crossed kiya, so maybe something good was about to happen to me, and this happened. Oh, yeah. So dreams ka meaning hota hai. We believe that. तो घर में जाने के बाद ही पता चलेगा कि dream mein I think it was a bad omen. So kya naam hai aapka? Mera naam Chum hai. Bura to nahi manenge ki baat kahe hai? Nahi boliye, please boliye. To aapke pitaji aur mata ji ne wo
He's gonna make fun of her name. वाला गाना सुना होगा ना, झूम बराबर झूम से झूम बराबर झूम से झूम नाम हो गया। और विवाह हो गया आपका? जी नहीं। अरे यार डॉक्टर बाबा, आपके विवाह के पीछे पड़े हो, आपका हो गया मतलब कि आप हम जा रहे हैं सबका घर बस जाए। हाँ मेरे को पता था सलमान और गुरुजी की एनर्जी कहीं ना कहीं कोलाइड होगी। इनका विवाह बहुत डिफिकल्ट चल रहा है, ये सबको विवाह में फंसाने के चक्कर में चल रहा है। मैं इसमें नहीं आने वाला, नहीं फंसने वाला। श्रुतिका Literally falling apart right in front of us. Okay. Nayra भी है और चुम भी है। मेरे को ठीक लग रही है Nayra जो है ना, I think ये Nayra मुझे ठीक लग रही है, चुम also मेरे को ठीक। मेरे को इस season के contestant ना मेरे को actually सभ्य लग रहे हैं, normal लग रहे हैं। वो लास्ट टाइम हमने देखा था उसमें तो वो मुनावर वाला था ना लास्ट जो हमने देखा था, आई थिंक यहाँ वो मुनावर वाला ही था। उसमें तो भाई एक से बढ़कर एक महारथी पे महारथी। इस सीजन के कंटेस्टेंट मेरे को थोड़े नॉर्मल लग रहे हैं, ये थोड़ी वो सी लग रही है। ये तो टॉप टू फाइनलिस्ट है भाई, तू तो जीत गई श्रुतिका जी, आप तो जीत के जाओगे भाई, आप तो जीत के जाओगे कुछ भी हो जाए। Dude, this guy is dancing for 6 minutes straight. I'm not even kidding. He's still dancing. This guy, he seems like a fun guy. I think he got divorced a few times. But I feel like he's a fun guy, yaar. Sadasya number 10. Rajat Dalal. Naam to suna hi hoga. Kyun nahi suna hoga? Rajat Dalal? Yeah? Are wo apna Rajat Dalal. Apna Instagram wala. Oh, zoom. Wo Rajat Dalal. वो गाड़ी से लोगों को ठोकने वाला रजत दलाल भाई है क्या? जो भी सोशल मीडिया पे हैं लोग, हर कोई कोशिश कर रहा है, बैड बॉय बोलता है, कोई विलन बोलता है। ब्रो आई डोंट नो, मतलब इन्होंने ये घड़ी वाला कितने बहुत पैसे दिए हैं क्या रेंट करने के लिए? इट्स लिटरली इन एवरीवन लाइक एमवी, सबकी ही एमवी में पीछे वो आ रहा है एंड देयर लाइक एवरी अदर शॉट इज दिस घड़ा। इतने कितने पैसे? अच्छा इट्स अ डोर ऑल्सो, वो मैकेनिज्म के पैसे दिए होंगे ना, सारे वसूल कर रहे हैं, हर एक शॉट ले रहे हैं। वो घड़ी का एक ऐसे वाला पूरा मैकेनिज्म दिखाना ऑडियंस को। आई अंडरस्टैंड एज अ फ्यूचर प्रोड्यूसर, आई अंडरस्टैंड। ज्यादातर केसेस में कभी मेरी गलती होती नहीं, गलती तो होती है आपकी, वो तो वीडियो एविडेंस है अभी तो उसको। यार पता है ही इज़ नॉट अ बैड गाय, ही इज़ नॉट अ बैड गाय। मैं ये इसलिए नहीं बोल रही बिकॉज ही इज़ एन इन्फ्लुएंसर एंड आई एम ऑल्सो एन इन्फ्लुएंसर। ऐसा मेरे को कोई वो लगाव नहीं है अपनी कम्युनिटी से। लाइक ही यूज़ टू पोस्ट लाइक फिटनेस बेस्ड कंटेंट और कोई देखता नहीं था एंड ही स्टार्टेड ब्लोइंग अप आफ्टर कॉन्ट्रोवर्सीज। तो वैन यू आर फीडिंग इन टू समवन्स कॉन्ट्रोवर्सी, जब वो कॉन्ट्रोवर्सी करे जा रहे हैं फॉर व्यूज एंड यू फीडिंग इन टू दैट, आप वही सब देख रहे हो। आई थिंक ही इज जस्ट अ वेरी सिंपल गाय हु गॉट कॉट इन दिस वेब ऑफ लाइक getting views and making controversies and stuff, but that doesn't excuse matlab jo bande ko like he does have anger issues or I think he's beat up guys also, so he has anger problems and he has some like in general like law following problems also because he was speed. आप ऐसा कह सकते हो कि मैंने किसी बड़े influencer के साथ पंगा लिया, वो था कैरी मिनाती। मैंने आज तक मेरे जीवन काल में उसकी वीडियो से पहले ना उसके बारे में कभी कुछ बोला, ना नाम लिया, ना उसके जाति धर्म। कैरी ने इसका रोट, यार कैरी तो बहुत गालियां देता है यार, ही वो बहुत गालियां देता है, ही शुड वो डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है वो एकदम। के बारे में कुछ भी नहीं बोला, आउट ऑफ नोवेयर उसने एक रोस्ट वीडियो बनाया जिसमें उसने मेरा मजाक उड़ाया। अब जब मैंने कभी किसी को कुछ गलत बोला ही नहीं है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा नहीं ना कि सामने से वो ये चीज करे। आप अगर रोस्ट बना रहे हो या तो परमिशन ले लो, अगर आपके पास लेना, मतलब मैं तो लेती हूँ हमेशा, मतलब अपनी तरफ से मैं तो डीएम करती हूँ यार आई एम मेकिंग अ वीडियो प्लीज, ऐसा कुछ सीन नहीं है, गाली वाली नहीं दूंगी, बस ऐसे ही मजे में बना रही हूँ, मजाक मस्ती चलती है अपनी। पर कभी कभार नहीं हो पाता डीएम। पर इसके कैरी के केस में आई थिंक ही शुड गेट परमिशन बिकॉज वो एकदम ही लाइक ही वो बहुत ही ज्यादा गालियाँ यूज करते हैं, तो व्हेन यू डूइंग ऑल ऑफ दैट आई थिंक उसके लिए तो परमिशन लेनी चाहिए मेरे को लगता है। अच्छा दिस गेटिंग बोरिंग यार, आगे क्या हो रहा है? ओ टेनन 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 टेनन। अच्छा इसमें भूमि पेडनेकर इज अ गुड एक्ट्रेस। दिस आई एम जस्ट बोर्ड एंड दे आर नॉट लुकिंग इंटरेस्टिंग। हू इज दिस गाय? ही इज काइंड ऑफ कूल। दिस गाय हैज सो मच ऑरा। एक सेकंड, आई वांट टू सी दिस गायज एंट्री यार। आजा भाई।
Bro, this guy has so much aura. Like, I can't. This guy looks like he looks like a solid guy. Like if I wanted a manager and there were like five hot guys in the queue, I would choose this guy. Because he looks like he knows what he's doing. भाई बंदे की ऑरा देखो भाई, बंदे की टॉर देखो, क्या पावर मूव है भाई इस बंदे के पास. ही डिडंट इवन फकिंग ग्रीट सलमान खान. ही हैज हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट टू शो डोमिनेंस. ठीक है दोनों की, बट बोथ ऑफ देम हैव देयर हैंड्स इन देयर पॉकेट्स बिकॉज़ बोथ ऑफ देम वांट टू बी डोमिनेंट. बट लाइक हाँ, आई थिंक दिस गाय इज नॉट, ही कांट बी मोर डोमिनेंट देन सलमान, बट ही इज अ गुड कंटेंडर. भाई वी गॉट इंडियन बुचर वर्सेस होमलैंडर बिफोर GTA 6. यार अब मेरी नहीं है पेशेंस गाइस, नहीं, आई कांट, नहीं, इट्स नॉट, नो, ना ना, इट्स नॉट हैपनिंग, नो नो वे. 30 मिनट्स, नहीं, आई कांट डू इट. हो गया मेरा, हो गया, आई एम डन. दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.